नमस्कार दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार, निर्माण आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे केंद्र सरकार के द्वारा गठित किए गए एक पैनल के बारे में। दरअसल केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में भारत के पूर्व न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय एक आयोग गठित किया है। यह आयोग उन लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मामले का परीक्षण करेगा जिनका ऐतिहासिक रूप से अनुसूचित जाति से संबंध रहा है, लेकिन जिन्होंने किसी कारणवश हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई या इस्लाम धर्म को अपना लिया है। दरअसल कुछ समय से सुप्रीम कोर्ट में इस संदर्भ में विचार हो रहा है कि क्या हिंदू धर्म को त्याग कर ईसाई या मुसलमान बने दलितों को आरक्षण दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए, और इसी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सरकार से राय मांगी गई थी। दरअसल 1950 के संविधान अनुसूचित जाति आदेश के अनुसार केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के सदस्यों को अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता देने की अनुमति है। यह अधिनियम 1950 का संविधान अनुसूचित जाति आदेश जब पारित किया गया था तब आरंभ में केवल हिंदुओं को ही अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता दी गई थी, क्योंकि वर्ण व्यवस्था या जाति प्रथा केवल हिंदू धर्म में प्रचलित है। इसीलिए यह माना गया कि हिंदू धर्म के अंतर्गत आने वाले दलितों को ही आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। यह मुख्य रूप से अस्पृश्यता की प्रथा से उत्पन्न होने वाली सामाजिक अक्षमता अर्थात सीमाओं को संबोधित करने के लिए प्रदान किया गया था, ताकि जो दलित वर्ग के अंतर्गत लोग आते हैं उनका सामाजिक रूप से उत्थान हो सके और वे समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके। इस आदेश में 1956 में उन दलितों को शामिल करने के लिए संशोधन किया गया जो सिख धर्म में परिवर्तित हो गए थे। इसके बाद 1990 में एक बार फिर इसमें संशोधन किया गया और यह प्रावधान किया गया कि बौद्ध धर्म में परिवर्तित होने वाले दलितों को भी इस सूची में शामिल कर लिया जाएगा। इन दोनों संशोधनों को 1955 के काका कालेकर आयोग की रिपोर्ट और 1983 में क्रमशः अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर उच्चाधिकार प्राप्त एक पैनल द्वारा मान्यता भी प्रदान की गई थी। दूसरी ओर केंद्र सरकार ने कई बार इस बात को खारिज कर दिया है कि दलित ईसाइयों और दलित मुसलमानों को अनुसूचित जाति के रूप में दर्जा दिया जाएगा या उन्हें आरक्षण दिया जाएगा। अब मुद्दा ये उठता है कि आखिर दलित ईसाइयों या दलित मुसलमानों को इस सूची से बाहर क्यों रखा गया है। इस संबंध में समय समय पर विवाद होता रहा है, हालांकि केंद्र सरकार कई बार इस मामले को स्पष्ट कर चुकी है। 1956 में सिखों को अनुसूचित जाति के रूप में शामिल करने के संशोधन के बाद से ही भारत के महापंजीयक अर्थात रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का कार्यालय हिंदू या सिख धर्म के सदस्यों से परे इस आदेश के दायरे के विस्तार का अनिच्छुक रहा है। दलित बौद्धों और दलित ईसाइयों को शामिल करने के एक राय में जब गृह मंत्रालय ने रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से उसका विचार मांगा था, तब रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने कहा था कि अनुसूचित जाति का दर्जा अस्पृश्यता की प्रथा से उत्पन्न होने वाली सामाजिक अक्षमताओं से पीड़ित समुदाय के लिए है और यह प्रथा केवल हिंदू और हिंदू धर्म से जुड़े संप्रदायों तथा भारत के धर्मों जैसे सिख, बौद्धों में प्रचलित है। अतः यह कार्य केवल भारत के धर्मों के लिए किया जा सकता है। यह प्रथा ईसाइयों में या मुसलमानों में नहीं है, अतः अनुसूचित जाति के दायरे का विस्तार ईसाइयों या मुसलमानों में नहीं किया जाना चाहिए। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का यह भी कहना था कि यदि इस तरह का कोई कदम उठाया जाता है तो इससे देश में अनुसूचित जाति की संख्या में तेजी से वृद्धि होगी। हालांकि बौद्ध धर्मांतरितों को अनुसूचित जाति के रूप में शामिल करने के लिए 1990 में संशोधन पारित किया गया जिसे उस समय रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं थी। दलित ईसाइयों और मुसलमानों को SC के रूप में RGI ने अपने 1978 के नोट का उल्लेख किया और कहा कि दलित बौद्धों की तरह दलित जो इस्लाम या ईसाई में परिवर्तित हुए वे विभिन्न जाति समुदाय के थे, अर्थात वे किसी एक जाति के नहीं थे और न ही केवल उनका एक जाति के रूप में स्वरूप है, अतः उन्हें किसी एक जाति में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। एकल जाति समूह जिसे शामिल करने के लिए अनुच्छेद 341 के खंड 2 द्वारा आवश्यक बताया गया है। इसके अलावा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने यह भी कहा था चूंकि अस्पृश्यता की प्रथा हिंदू धर्म और उसकी शाखाओं की विशेषता है, इसीलिए दलित मुसलमानों और दलित ईसाइयों को SC के रूप में शामिल करने की अनुमति देना एक गलत पैमाना होगा, इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की गलत छवि जाएगी।
इससे यह संदेश जाएगा कि भारत अपनी जाति प्रथा उन पर थोपने की कोशिश कर रहा है। 2001 के नोट में यह भी कहा गया था कि दलित मूल के ईसाई और मुसलमान धर्मांतरण के कारण अपनी जातिगत पहचान को खो चुके हैं और उनके नए धार्मिक समुदाय में अस्पृश्यता की प्रथा प्रचलित नहीं है। लेकिन यह एक बहस और विवाद का विषय बना रहा है लगातार। ईसाइयों व मुसलमानों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए बहस करने वाली याचिकाओं में कई स्वतंत्र आयोगों और रिपोर्टों का हवाला दिया गया है, जिन्होंने भारतीय ईसाइयों और भारतीय मुसलमानों के बीच जाति और जाति की असमानताओं के अस्तित्व के होने का प्रमाण प्रस्तुत किया है। यह देखते हुए कि धर्मांतरण के बाद भी मूल रूप से अनुसूचित जाति के सदस्य समान सामाजिक अक्षमताओं या अस्पृश्यता का अनुभव करते हैं, इसके लिए जो याचिकाओं में दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं उसमें से 1953 का प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है। इसके अलावा 1969 में अनुसूचित जाति के अस्पृश्यता आर्थिक और शैक्षणिक विकास पर रिपोर्ट दी गई है, मंडल आयोग की रिपोर्ट है। इसके अलावा 2006 में गठित प्रधानमंत्री की उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट आदि को दिया गया है। इसके अलावा याचिकाओं ने इस प्रस्ताव के खिलाफ तर्क दिया है कि धर्मांतरण पर जाति की पहचान खो जाती है, यह देखते हुए कि सिख धर्म और बौद्ध धर्म में भी जातिवाद मौजूद नहीं था, फिर भी उन्हें SC कैटेगरी में शामिल किया गया है। इसके अलावा उपर्युक्त रिपोर्ट का तर्क है कि धर्मांतरण के बाद भी जातिगत भेदभाव जारी रहा है, इसीलिए इन समुदायों को भी अनुसूचित जाति में शामिल किया जाना चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार आयोगों की रिपोर्ट को इस आधार पर लगातार अस्वीकार करती रही है कि इन रिपोर्टों के दावे के समर्थन में कोई अनुभवजन्य प्रमाण नहीं है। समय समय पर दलित ईसाइयों और दलित मुसलमानों के लिए अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए कई सारे प्रयास किए गए हैं, जैसे 1996 में तत्कालीन कल्याण मंत्रालय की सिफारिश पर PV नरसिंहा राव की सरकार ने संविधान अनुसूचित जाति के आदेश में संशोधन करने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया था, हालांकि यह विधेयक पास नहीं हो पाया और गिर गया था। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 2000 में बार बार रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के कार्यालय और तत्कालीन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्ट मांगी थी कि क्या दलित ईसाइयों को अनुसूचित जाति के दायरे में लाया जाना चाहिए, लेकिन दोनों बार इस प्रस्ताव के खिलाफ सिफारिश आई थी। इस तरह लगातार इस मुद्दे पर सरकार अपना पक्ष स्पष्ट करती रही है, हालांकि यह एक विवाद का विषय बना रहा है। इसीलिए केंद्र सरकार के द्वारा अभी हाल ही में KG बालाकृष्णन की अध्यक्षता में जो आयोग गठित किया गया है, यह इस संदर्भ में प्रमाणों के साथ अपनी बात रखेगा और यह बताएगा कि क्या दलित मुसलमानों और दलित ईसाइयों को इस सूची में शामिल किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। इस टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।